Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिस्टर मिसेस राज में। काले काले बादलों के बीच बहुत ज़ोरदार बारिश आने की संभावना, और यहाँ पे घर का काम हो रहा है अभी। ये जितने सरिया आ चुकी है ज़ोरदार वाली बारिश, मैं तो छुप गया हूँ इधर छज्जे के नीचे। पहली बारिश हो रही है इतनी ज़ोरदार वाली हमारे नए घर में टाइल्स वगैरह लगने के बाद। तभी मैं मटकी को लेके जा रहा हूँ अपने घर, और मेरे घर जाके मटकी क्या खाएगा? जेली खाएगा। मटकी को ना जेली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो तो मैं इसको देता हूँ ना खाने के लिए, तो ये थोड़ा खा लेता है, नहीं तो ये कभी नहीं खाता है ना। मटकी नहीं अच्छी लगती ना जेली, तो मटकी को जेली नहीं खाना है। मटकी यहीं रुकेगा, मैं जाके जेली खाऊँगा। चलो यहीं खाना, रुकना कि चलना? चलोगे मेरे घर? चलना है मेरे घर? चलो। सो गाइस, चलते हैं जली खाने। जली खाने, जली खाएंगे, जली खाएंगे सचिन भैया के घर। सचिन भैया के घर जली खाएंगे, जली खाएंगे। जली जेली तो यहाँ बैठा है, ये तो जेरी है। जेरी 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 को हेलो बोल दो। हेलो जेरी, हाउ आर यू जेरी? हाय जेरी। अरे कुछ नहीं करेगा यार, प्यार कर इसको, प्यार कर। चल प्यार करते हैं, देख तो कितना प्यार कर रहा है मेरे को जेरी। बारिश में कितना भींग जाता है ना जेरी। देख देख तेरे से बड़ा हो गया जेरी। पहचानता है जेरी? मटकी आपको जेरी पहचानता है? ये क्यों नहीं भौंक रहा आपको? पहचानता है इसको। सो गाइस, फाइनली मेरा पैकिंग करना मनीषा स्टार्ट कर चुकी हैं। सिंगल हड्डी हो चुकी हैं, खाना पीना खाती नहीं है टाइम से। तुमको समझ में नहीं आया मेरे? और पता है गाइस आज क्या हुआ? आज तो सबसे मजे की बात हुई, सारा कपड़ा धुल दी, जैसे ही प्रेस करने लाइट कट गया। लाइट कट गया क्योंकि बारिश हो रहा है। और मेरा कपड़ा सब कल दिल्ली में प्रेस होगा, तो फाइनली गाइस हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट मैं जाऊँगा, और अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से फिर आगे की अपनी जर्नी करूँगा मैं, तो आप लोग बने रहना। फिर ये हमको छोड़ के जाने वाले हैं। बापरे, हमको यहाँ रख के जाते हम बहुत तभी रोते रोते हैं, हमको तो खुद ही टेंशन हो रहा है। यहाँ छोड़ के जाते तो रोती नहीं, वहाँ भी बहुत रोते हैं अभी जहाँ जा रहे हैं। नहीं मैंने यहाँ छोड़ के जाते तो ज्यादा रोती। हाँ क्यों? हमको जब भी रूम में आते हैं ना फिर हमको याद आता। देखो पता है क्या होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, शादी के पहले ना कभी मम्मी इधर उधर चले जाती थी ना, तो क्या होता था कि पूरा दिन रह लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होता है ना फिर सबके याद आने लगती है। और फिर यहाँ भी ऐसे ही होता है, जब ये मेरे को फर्स्ट टाइम थाईलैंड छोड़ के जा रहे थे ना इतना दिन के लिए, वही फर्स्ट टाइम था ना? नहीं उसके पहले भी हम गए हुए। उसके पहले आप गए हैं घर आए, उतना दिन के लिए नहीं गए थे। और उस टाइम जब गए थे ना तो हम बहुत इतना ज़्यादा रोए थे, मतलब कितने दिनों से तो ऐसे रो रहे थे छुप छुप के। और उसके बाद से क्या हुआ था ना कि जब ये चले गए थे ना तो मेरी फ्रेंड्स आई थी सब, तो फिर हम क्या किए कि ये बोले थे ना कि तुम लोग इसके साथ ही रहना नहीं तो ये रोने लगेगी। अब वो लोग दो थे ठीक है, वो दोनों अपना खुद बगल वाले रूम में बैठ के बातें कर रही थी, और मैं बगल वाले रूम में रूम बंद करके रो रही थी क्योंकि मेरे साथ कोई था ही नहीं। हम सोच रहे थे कि यार ये बोल के गए और फिर हम अकेले हैं, तो इसलिए बहुत रोना आ रहा था। फिर तो ऐसी ये छोटी छोटी कहानी आपको बताते रहेगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? और आप लोग बने रहो व्लॉग में, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे, तो एंजॉय करते रहिए व्लॉग को। पैकिंग करो जल्दी, बातें बाद में। फाइनली अब सामान पैक हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और अब मनीषा भी रेडी हो चुकी है। हम लोग फाइनली घर से निकल रहे हैं। हाँ इसका केबल तो चलो गाड़ी से ले लेंगे, तो चलिए अब आपको जर्नी दिखाते हैं। मैं बैठ के निकल ही रहे थे कि मनीषा कह रही है कि मुझे लग गई है भूख, तो मैंने बोला कि यार चलो जूस पी लो। ना ना बस ठीक है पियो आप। तो पीछे हमारे भाई साहब थे, कह रहे कि जूस पी लो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। रास्ता में तो हम लोग शूट ही नहीं किए कुछ। हाँ।
अयांश पढ़ रहा है क्या अभी? आंटी भी है, आंटी भी है। आंटी को नमस्ते बोलो। तो पढ़ाई नहीं हुआ यार। ये तो यार बड़ा कब होगा यार? अब तो 2 साल हो गए देखते देखते। यार तो बड़े नहीं हुए। यहाँ जगह हुआ है ये। 2 साल हो गया। अब तो तुम बड़े हो जाओ। बैड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग नहीं है लेकिन बैड मॉर्निंग है। और ये कुछ है जो आपसे बाद में बताएंगे और धीरे धीरे उस चीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी उठ चुके हूँ, जाऊंगा फ्रेश होने थोड़ा। सुबह सुबह बैड मॉर्निंग जब बताए ना मेरे को, तो मेरा जो हालत खराब हुआ सुबह सुबह, जिसके वजह से मन एकदम सही हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है। अभी इधर हम लोग का बहुत ज्यादा मतलब हर एक चीज का बैड न्यूज आ रहा है ना। अभी हम लोग उधर भी गए थे, मतलब लॉस पे लॉस बैड न्यूज। कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। मतरा नहीं है अभी। लेकिन पता नहीं ऐसा ही होता है ना, जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो सारे तरह मतलब सब जगह से आते हैं। सब जगह से। एक्चुअली मनीषा के बॉडी में ना गाइस स्प्रिंग लगा हुआ है, ये हिलते रहती है 24 घंटा। तो ये तो हिलती है, फोन भी हिलते रहता है, इसीलिए आप लोग कमेंट करते हैं। तो जब इसको देते हैं फोन तो हमको यही डर लगता है ये फोन हिलाते मतलब अभी देखो फिर हिल रही है। मतलब 1 मिनट घड़ी से देख के ना इसे सीधा खड़ा नहीं रहा है कभी ना भी। सच्ची में नहीं रहा है। तो इसीलिए फोन हिलते रहता है, हिलते रहता है। हमको जब क्लास में सर खड़ा कराते थे करेंगे एकदम सीधा खड़ा रहो, ज्यादा हिलते थे ना तो एक पैर पे खड़ा कराते थे ऐसे एकदम ऐसे करेंगे तो फिर एक पैर पे खड़ा रहेंगे ना तभी भी इस तरह हिल जाते थे। अब वो भी कहेंगे ना बिना सपोर्ट का खड़ा रहो। सारा बच्चे सबके सामने रानी दीदी के यहाँ पे रुके हुए थे। यहाँ रानी दीदी भी है। गुड मॉर्निंग। हम लोग के साथ साथ रानी दीदी भी परेशान हो गई है, बोल रही थी कि यार कितने सारे ये बैड न्यूज आ गए थे। पर कोई नहीं, कुछ अच्छा होने वाला होता है ना। तो लेकिन यार सच में थोड़ा सा तो सोचना चाहिए भगवान। कोई बात यार, कितनी सुंदर लग रही है कैमरे सच्ची। तो ऐसे ऐसे लोग मुंह छुपाते हैं मेकअप किए बिना। हम लोग तो सो के उठ के बाल भी नहीं, ऐसे हाथ फेरे होंगे ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम भी नहीं बाल फेरे, वैसे हम भी हैं। हम भी सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, यहाँ से चलते हैं, पैकिंग वैकिंग करके प्रेस व्रेस करवाना है, फिर निकलना भी है, आयरन कपड़ा करना है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी ना तो लाइट नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। बने रहो ऐसे। अभी मैं ब्रेकफास्ट तो जा रही हूँ करने, सुबह सुबह ब्रश करके थोड़ा सा यहाँ रानी दी चाय वाय पीती है ना तो मेरे को भी थोड़ा ऑफर मिल जाता है पीने का, वो अच्छा लगता है। बाकी ये अभी आराम कर रहे हैं, इनके लिए हम ब्रश ला दिए हैं कॉलगेट लगा के। और पता है शादी के बाद ना ये मेरे को शादी के बाद से ही मतलब बोले थे कि तुम जाओ मेरे ब्रश में कॉलगेट लगा के लाओ, तब से हम अभी तक कॉलगेट लगा रहे हैं। हमारे शादी के 3.5 साल होने वाले हैं ना। तीन साल एक महीना। मार्च हमारी मार्च में शादी हुई थी 2 मार्च को, तो ये अप्रैल है तो ये अब ख़त्म ही होने वाला है। तो 3 साल 1 महीना हमारी शादी को हो रहा है और अभी तक मैं इनको कॉलगेट लगा कर दे रही हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये चेंज हो जाता है, हाँ ये कुछ दिन का ही बात है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है क्योंकि मैं ब्रश लाती हूँ कॉलगेट लगा के रखती हूँ और बहुत टाइम हो जाता है ऐसे नहीं करते हैं, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं कभी कभी बोलती हूँ मेरे कॉलगेट मेरे लिए भी कभी लगा के लाइए, लेकिन नहीं, मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लगता है। अभी नहीं लाएंगे, ये सारा चीज़ का बदला बाद में लिया जाएगा। हमारे साथ कोई और होगा उस टाइम तब लेंगे हम लोग बदला, है ना। अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह करने, लेकिन अभी ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा और क्या ही बोलना चाहेंगे, बस बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कैसा होगा, हमें नहीं पता। बाय बाय, लव यू ऑल।